नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। लखनऊ ने पंजाब को 56 रन से हराया, यश ने 4 और नवीन ने 3 विकेट झटके। आईपीएल 2023 के 38वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट्स से था। यह मुकाबला मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला गया। पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 257 रन बनाए। पंजाब की टीम 19 ओवर 5 बॉल में 200 रन पर ही सिमट गई। आईपीएल 2023 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने पंजाब किंग्स को 56 रन से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 257 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस ने 40 गेंदों में 72 रन और काइल मेयर्स ने 24 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 19 ओवर 5 बॉल में केवल 201 रन पर ही सिमट गई। अथर्व तायदे ने 36 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। इसके बाद कोई बल्लेबाज 40 प्लस स्कोर नहीं बना सका। यश ठाकुर ने 4 और नवीन उल हक ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ लखनऊ के 8 मैचों में 5 जीत और 3 हार के साथ 10 अंक हो गए हैं। टीम अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं पंजाब की यह 8वें मैच में 4थी हार रही। टीम 4 जीत और 8 अंक के साथ 6ठे स्थान पर है। लखनऊ को अगला मैच 1 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ इकाना स्टेडियम में खेलना है। वहीं पंजाब को 30 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपक में खेलना है। पंजाब को 24 गेंदों में 92 रन की जरूरत है। उन्होंने 16 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 166 रन बना लिए हैं। फिलहाल सैम करन और जितेश शर्मा क्रीज पर हैं। 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने लियाम लिविंगस्टोन को LBW आउट किया। वह 14 गेंदों में 23 रन बना सके। 15 ओवर के बाद पंजाब ने 4 विकेट गंवाकर 152 रन बना लिए हैं। फिलहाल सैम करन और लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर हैं। पंजाब को अब 30 गेंदों में 106 रन की जरूरत है। इससे पहले रवि बिश्नोई ने अथर्व तायदे को 26 गेंदों में 8 चौके पर 2 छक्के की मदद से 66 रन की पारी खेली। वहीं सिकंदर रजा ने 22 गेंदों में 36 रन बनाए और 9 ओवर के बाद पंजाब किंग्स ने 2 विकेट गंवाकर 84 रन बना लिए हैं। फिलहाल अथर्व तायदे 25 गेंदों में 49 रन और सिकंदर रजा 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए अब तक 32 गेंदों में 53 रन की साझेदारी हो चुकी है। पंजाब को अब 66 गेंदों में 174 रन की जरूरत है। पंजाब को चौथे ओवर में 31 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा है। इम्पैक्ट प्लेयर प्रभ सिमरन सिंह 13 गेंदों में 9 रन बनाकर नवीन उल हक की गेंद पर आउट हुए। फिलहाल अथर्व तायदे और सिकंदर रजा क्रीज पर है। 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर है, 47 रन बना लिए हैं। पंजाब को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा है। कप्तान शिखर धवन 1 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर कुणाल पांड्या को कैच थमा बैठे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।